महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एक टिप्पणी को लेकर राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा, गुजराती राजस्थानी निकल जाएं तो मुंबई ठाणे में पैसा नहीं बचेगा। कोश्यारी की इस टिप्पणी पर राजनीतिक बवाल मच गया। हर तरफ से कोश्यारी निशाने पर आ गई, यहां तक कि बीजेपी ने भी कोश्यारी की टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया, असहमति जता दी। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। यहां पर आपने सुना भगत सिंह कोश्यारी फिलहाल एनसीपी बीजेपी कांग्रेस सभी के निशाने पर आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, सरकार पर कटाक्ष करने का, शिंदे और फडणवीस सरकार को लेकर निशाना साधने का। देखिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष का अपमान किया राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर, सही नहीं था। नाना पटोले कह रहे हैं कोश्यारी के बयान की निंदा करते हैं, जनता से माफी मांगनी चाहिए, फौरन पद से हटाया जाए। संजय राउत ने कहा राज्यपाल का मतलब है कि महाराष्ट्र और मराठी लोग भिखारी हैं। मुख्यमंत्री शिंदे क्या आप सुन रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा नाम कोश्यारी लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं उसमें थोड़ी होशियारी नहीं होती। सामने चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा महाराष्ट्र महापालिका हो, पालिका हो या अन्य सारी जो चुनाव आने वाले हैं संस्था है उसका चुनाव आने वाला है, उसमें पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने बात कही है। ऐसे सबका मानना है मराठी गैर मराठी जो हिंदू यहाँ है उनमें भेद करे, मराठी लोगों का अपमान करे और जो भी मुंबई और ठाणा खास करकर उनको पता है यहाँ सदियों से सारे लोग हिंदू इस रिश्ते से रह रहे हैं और 1992-93 में ये तो थे नहीं कि इनका इस नाम की कोई व्यक्ति है ये भी किसी को पता नहीं था। तब शिवसेना ने मुंबई में हिंदुओं को बचाया था, थाना में मुंबई में और थाना और मुंबई में शिवसेना ने हिंदुओं को बचाया था। तब हमने ये नहीं देखा मराठी कौन है गैर मराठी कौन है। एनसीपी तो उधर फौरन सड़कों पर उतर आई, कांग्रेस शिवसेना ने कोश्यारी पर हमले तेज कर दिए, हम आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिस प्रकार का वक्तव्य किया महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है। महाराष्ट्र की जनता खास करके मुंबई ठाणे की जनता एक कष्ट करने वाली जनता है, खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र के और हजारों लोग जो शहीद हो गए जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में, इसके बाद ये मुंबई बनी है। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए। गुजराती मारवाड़ी के वजह से महाराष्ट्र है मुंबई है इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोन लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए।